Hello everybody, Om Shanti. Welcome to our show Youth Connect. हम बात कर रहे थे पावर टू डिटैच. पिछली बार हमने बात की है ओवरऑल हेल्थ पर, और हमारे साथ बात करने के लिए हर बार की तरह बीके कमल भाई हमारे साथ हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. तो कमल भाई, हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि पावर टू डिटैच अगर है, क्योंकि आध्यात्मिक हमें ये सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि किस तरह से हम डिटैच रह सकते हैं सबके बीच रहते हुए, कुछ छोड़ना नहीं है. लेकिन जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम बोल रही थी कि ये बहुत नॉर्मल है. अगर रिश्ते हैं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक माँ हूँ तो मेरा बच्चा है, तो ऑफकोर्स मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, तो फिर मेरी अटैचमेंट तो नॉर्मल है ना, नेचुरल है ना. मतलब ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आती है, तो इसको ज़रा और डिटेल में समझाइए. देखिए, लव की एक हम बात करते हैं और अटैचमेंट की बात करते हैं, राइट. पहली बात तो दोनों जो है वो बिल्कुल अलग है. अच्छा. और इसमें क्या होता है कि कई बार जब बहुत सारे लोग एक ही काम करते हैं, जैसे गुस्सा, मैक्सिमम लोग गुस्सा करते हैं, तो हमने क्या किया, गुस्सा तो नॉर्मल है. हाँ. या टेंशन, जैसे हम यूथ से जब मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि टेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सारे यूथ बोलते हैं कि होनी चाहिए, है ना, नॉर्मल है. मतलब हो जाती है, होनी चाहिए नहीं, बट नहीं हो जाती है, नेचुरल ना, कि अगर लाइफ में स्ट्रेस, लाइक इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो फिर टेंशन तो होना नेचुरल है ना. हो जाती है, वो सेकंड स्टेप है. अच्छा. पहले स्टेप पे हम चलते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं है. जैसे हमने बात की कि अटैचमेंट तो नॉर्मल है, जैसे आप एक मदर है तो बच्चा जो है उसके साथ आपकी अटैचमेंट तो होनी ही है, उसके अलावा आप कैसे केयर करेंगे उसकी, राइट. तो अटैचमेंट नॉर्मल है या नहीं, पहले उसको समझते हैं हम. क्या अटैचमेंट कंफर्टेबल होती है या नहीं होती है, लव अलग बात है, अटैचमेंट कंफर्टेबल मतलब, है या नहीं है. मैं ऐसा कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बच्चा, जैसे मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे अटैच्ड हूँ, तो अगर वो दुखी है तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा. हाँ, तो मैं दुखी हो जाती हूँ. सो कंफर्टेबल नहीं है, पहली बात जी. एंड सेकंड, जब हम अटैच होते हैं किसी से तो हम उसको एम्पावर नहीं कर पाते. हाँ. हम कहीं ना कहीं अपने, हम इसको कह सकते हैं कि डर के कारण, क्योंकि जहाँ अटैचमेंट है वहाँ फियर साथ में, अटैचमेंट एंड फियर दोनों साथ साथ चलेंगे, और फियर तो पूरी तरह से नेगेटिव होगा. हाँ. और साथ में हम क्या कर रहे हैं, फिर वो नेगेटिव जो वाइब्रेशंस हैं उस तक भेज रहे हैं. जैसे एक बार अभी थोड़े समय पहले एक मदर आई, वो अपने बच्चे को लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि इसको आप समझाइए, इसको बहुत डर लगता है, चिंता होती है. तो मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं आप मेरी मम्मी को समझाइए पहले. तो उन्होंने कहा मुझसे ज्यादा चिंता तो उनको होती है. तो मैंने उनसे पूछा, कहते हैं हाँ मुझे तो होती है. तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं तो चिंता कर रही हूँ और ये चिंता ना करे. तो कहीं ना कहीं हम अननोइंगली पास ऑन कर देते हैं अपने उस वाइब्रेशन, वो थॉट्स को, वो टेंशन को. और फिर क्योंकि बच्चा जो है वो किससे सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, तो उसे क्या लगता है कि हाँ चिंता करना तो नॉर्मल है, दुखी होना तो नॉर्मल है, हर्ट होना तो नॉर्मल है. तो हमें पहले इस, हाँ अगेन, ये जब हम बात करते हैं डिटैचमेंट की, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में डिटैचमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है. अच्छा. जब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की, तो डिटैच होने की कला ये सबसे पहला स्टेप है अगर हम कहें. अच्छा. तो वो सीखना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि चारों तरफ हम देखेंगे तो लोग कहेंगे नहीं अटैचमेंट इज नॉर्मल, और जब हम कहेंगे नहीं अटैचमेंट नॉर्मल नहीं है, तो पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होता ये बात. तो पहले हमें खुद उस पे काम करना पड़ेगा. हाँ जी. कि कैसे डिटैच हो. अब कई लोग इसको भी थोड़ा सा गलत ले लेते हैं कि जब डिटैच होते हैं तो वो बिल्कुल ही फिर केयरलेस हो जाते हैं. हाँ, कि हम ध्यान ही नहीं रखे, राइट, ये मतलब ले लेते हैं डिटैचमेंट का. तो डिटैचमेंट मींस पूरी केयर करनी है लेकिन दुखी नहीं होना. तो एक बहुत थिन लाइन है, समझना पड़ेगा उसको. जैसे कि एक बहुत सुंदर बात आती है, मतलब जैसे हम प्यार कहते हैं ना, हम प्यार करते हैं, लव इज अ ब्यूटीफुल इमोशन, फिर लव, व्हाई डज लव हर्ट एंड व्हाई डू वी फॉल इन लव, वी शुड राइज इन लव. और लव जो बात है ना, हमने क्या गलती की, हमने गलती भी नहीं कहेंगे, ईगो के कारण हमने क्या किया, अटैचमेंट थी लेकिन हमने उसको नाम क्या कर दिया, एक लेबल लगा दिया. जैसे आपने देखा होगा, एक जगह हम प्रोग्राम में गए, वहां एक चेयर रखी थी, बिल्कुल पुरानी चेयर. अच्छा. लेकिन उसके ऊपर इतना सुंदर उन्होंने कवर चढ़ा दिया
छुपा दिया ना उसको, मतलब रियल कुछ हो रहा है, हमने ऊपर कुछ और कर दिया। तो ऐसे ही अटैचमेंट हम सबको पता है कि गलत है, परंतु हमने एक लेबल लगा दिया, हमने कहा नहीं ये तो प्यार है, प्यार है। और प्यार में चिंता तो होगी ही, फिर ऐसे ऐसे डायलॉग हमने सुने जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई तो होगी ही, जहाँ प्यार होगा वहाँ तो चिंता होगी ही, नहीं और एक्सपेक्टेशंस होंगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी। पर रियल लव क्या है? रियल लव का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज लव, कि हम सामने वाले को पहले तो एज इट इज एक्सेप्ट करें और हम उसको फोर्स ना करें। जैसे एज अ मदर मुझे बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, ये करना है, तुम्हारे इतने नंबर आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आज बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्यों लो सेल्फ एस्टीम है उनकी? बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। सही बात है। अगेन पेरेंट्स के इंटेंशंस तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। क्योंकि इंटेंशंस पर तो कभी क्वेश्चन उठ नहीं सकता, पर विधि गलत है। हाँ। पहले तो हमें सीखना पड़ेगा, राइट, और डिटैच होकर देखना पड़ेगा उसके लिए क्या सही है। जब हम अटैच होते हैं तो हम कहते हैं नहीं मुझे ये लगता है इसके लिए सही है, हम देख ही नहीं पाते हैं उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। और कहा जाता है ना, हिंदी में ये बात कही जाती है कि मोह जो होता है वो इंसान को अंधा कर देता है, ब्लाइंड कर देता है, कि हम समझ नहीं पाते हैं सही क्या है गलत क्या है, हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो अगर हम डिटैच हो, डिटैच कैसे होंगे अब? डिटैच होने के लिए एक बात को समझना है कि हम सब एक्टर्स हैं और हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं। ये समझते हम डिटैच हो पाएंगे। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा जहाँ मेरापन आएगा, राइट, कि मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, वहाँ पे अटैचमेंट ज्यादा आ जाएगा। और जहाँ पे होगा कि नहीं सब एक्टर्स हैं, अपनी अपनी जर्नी पर है, राइट, और अटैचमेंट भी आएगी और एक्सपेक्टेशंस भी आएंगी। हाँ, वो तो कि मेरा तो बच्चा है, हाँ। मेरा बच्चा है, मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, और ईगो भी आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, ईगो हर्ट होगा, सब कुछ आ जाएगा साथ में। और एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी स्ट्रेस पर। अच्छा। क्योंकि स्ट्रेस बहुत कॉमन है, तो इस पर बहुत रिसर्च हुई कि स्ट्रेस के मेन रीजंस क्या हैं। तो 5-6 रीजन उसमें से निकाले गए, उसमें से सबसे ऊपर का क्या होगा सोच के देखिए आप, स्ट्रेस का मेन कारण अटैचमेंट। हाँ, काइंड ऑफ, मतलब स्ट्रेस किन लोगों को ज्यादा होती है जो चाहते हैं कि सामने वाला पूरी तरह मेरे अनुसार चले, एक्सपेक्टेशंस, राइट। और जब मेरी अटैचमेंट होगी, मतलब मैंने कहा कि मैं मदर हूँ, तो मुझे लगेगा ये तो पूरी तरह मेरे अनुसार चलना चाहिए, इसको मेरी हर एक बात माननी चाहिए। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा 80% बातें मान रहा है ना आपकी, तो आपको सुबह उठकर खुशी में डांस करना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया करना चाहिए। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो आपने सिखाया था पहले, कि थैंक यू ही बोलो कि जो भी है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो आई थिंक अगर कुछ थोड़ा बिगड़ा भी है कहीं रिश्ता, वो भी ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। हाँ। अगर मेरे अंदर एक रेजिस्टेंस है, एक्सेप्टेंस नहीं है बच्चे के प्रति, या हमेशा कंप्लेंस है, कई बार क्या होता है पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं बच्चों को लेकर, वो तो एक अलग टॉपिक ही है, उस पर तो मैं आपसे बात करने ही वाली हूँ। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से पेरेंट्स कंपैरिजन, राइट, कंपेयर करते हैं, सिबलिंग्स के बीच में भी कंपैरिजन होता है, वो तो एक अलग समझना ही है आपसे। बट ये जो आज आपने बात समझाई कि किस तरह से हम डिटैच हो सकते हैं, एक्सेप्ट करें, उसी को सच्चा प्यार कहेंगे, ये नहीं कि अटैच होकर, अटैच हो गए और मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैंने आपको कह दिया तो आपको करना पड़ेगा। इसी कारण क्या होता है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि अगर हम बात करें पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन की, क्यों खराब हो रहा है, जब हम बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं बच्चे के लिए और हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, और जो बात की कि हर बात पे फिर क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाता है कि नहीं ये मेरी बात नहीं मानता, ये ऐसा करता है, तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है और नेगेटिव एफर्मेशंस जा रहे हैं ना उसको, उसे लग रहा है सही में मैं किसी काम के लायक नहीं। हाँ। तो बचपन में वो जो बातें जा रही हैं वो उसके फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है। करेक्ट। तो बाद में फिर वो सप्रेशन के रूप में, है ना, इमोशनल प्रॉब्लम के रूप में वो आएगा फिर। तो कमल भाई, अभी तक तो हमने जो बात की, एक सोशल बीइंग, सोशल हेल्थ पर भी बात कर रहे थे हम, रिश्तों के ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने पावर टू डिटैच को अच्छे से हमें बताया किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब जो लास्ट बचा वो कौन सा है? स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ, तो इस पे थोड़ा सा और हमें बताइए।
देखिए वैसे तो ये पांच जो हमने डिस्कस किया है ना, स्पिरिचुअल हेल्थ में वो सब आ जाता है, हाँ जी, है ना, ओवरऑल हेल्थ, या हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस क्रिएट करना। ओके। कई बार होता है कि हम या तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे हेल्दी खाना है, विच इज वेरी वेरी गुड, लेकिन फिर हम मेंटल हेल्थ को छोड़ देते हैं कई बार, या इमोशनल हेल्थ को छोड़ देते हैं, या हम इन चीजों को कवर करते हैं फिर हम सोशल हेल्थ को छोड़ देते हैं कई बार, या हम जब पैसा कमाने जाते हैं तो फिर हम बाकी सब चीजों को छोड़ देते हैं। जी। तो एक बैलेंस क्रिएट करना, स्पिरिचुअलिटी मींस बैलेंस, एक बैलेंस लेकर आना कि मुझे सब चीजों का ध्यान देना है, सिर्फ नंबर्स नहीं, साथ में मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ या नहीं, क्योंकि इस पर बहुत रिसर्च हुई कि IQ एंड EQ है ना, जिसका IQ बहुत ज्यादा है क्या वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, या जिसका EQ ज्यादा है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। I think balanced. Balance चाहिए। और इसके साथ अगर हम और ऐड करें तो SQ भी कर सकते हैं, social question, फिर तो क्या बात है? तो ये सब जब चीजें होंगी, कैसे मुझे लोगों के साथ डील करना है, कैसे मुझे सिचुएशंस के साथ डील करना है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करेंगे, मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या घर संभाल रहे हैं, तो हमेशा चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी, ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल, क्या हम उसमें स्टेबल रह सकते हैं? सबसे बड़ी बात जो स्पिरिचुअल की आपने बात की, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की, उसमें आई थिंक सबसे ज्यादा वो यही सीखने हमें मिलता है कि स्टेबल रहना, राइट, इन ऑल सिचुएशंस, इन ऑल सिचुएशंस विद ऑल पीपल, हाँ, डिफरेंट पीपल, नहीं तो हम पैनिक हो जाते हैं, कहीं बहुत ज्यादा खुश, बहुत ओवर खुश भी हो गए तो फिर ओवर दुखी भी हो गए, बिल्कुल, क्योंकि ये तो देखिए मतलब मेन क्या है कि हम जब स्टेबल नहीं होते ना, जैसे ओवर एक्साइटमेंट, आप देखते होंगे किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखें कि जो ओवर एक्साइटेड होता है, तो आप पाएंगे कि वो फिर स्ट्रेस में भी ज्यादा ही जाता है। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ, फिर वो एक्सट्रीम में हो जाता है, एंड स्पिरिचुअलिटी हमें बैलेंस सिखाती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे ये समझ में आता है कि थोड़ा वक्त अपने आप को देना। बिल्कुल, स्टार्टिंग जो है वो यही है कि हम खुद के लिए समय निकालें। हाँ जी, जो हमने पहले भी बात की कि सेल्फिश, हाँ, है ना, स्वार्थ, तो स्वार्थी होना पड़ेगा, एंड स्वार्थी इज नॉट नेगेटिव, स्वार्थी होना पॉजिटिव है, स्व प्लस अर्थ, हाँ, तो हम दिन में कम से कम मिनिमम हाफ एन आवर निकालें, चाहे आप 10-10 मिनट, जैसे हम सुबह बैठ रहे हैं, किसी किसी ने 10 मिनट शुरू किया, हो सकता है कोई 15 मिनट भी बैठता हो, हाँ जी, है ना, फिर नाइट रिचुअल जो हमने किया 5 मिनट, और दिन में हम समय निकाल लें 10-15 मिनट, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, हाँ, कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, है ना, मैं सही दिशा में हूँ भी या नहीं, क्योंकि ये प्रश्न हम पूछते नहीं है अपने आप से, बिल्कुल, तो ये प्रश्न अगर हम पूछना शुरू करेंगे, दैट मींस हम स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ, हाँ, या हम हवन शुरू कर दें, या हम कहीं चले गए, हाँ, कहीं चले गए हम, है ना, स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है जी। स्पिरिचुअलिटी मींस आप बीच में हैं, आप बिजनेस अगर कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, हाँ, अगर आप घर संभाल रहे हैं तो और अच्छे से संभाल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप थोड़ा समय, हमें जब 5 मिनट मिलता है तो मोबाइल को ना देखकर माइंड को देखते हैं, बस ये अगर हम चेंज कर लें, दैट मींस वी आर स्पिरिचुअल। बहुत, ये तो बहुत इजी है, ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी मच पॉसिबल, तो ये है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ आल्सो, तो ये ओवरऑल हो गया, तो अगर हम थोड़े से डिसिप्लिन हो जाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, तो आई थिंक लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, जो हमने बात की थी कि लाइफ जिंदगी आसान बनानी पड़ती है, तो थोड़ा और लाइफ उतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी हमने बना दी है। मुझे एक कोट हमेशा से पसंद है कि लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज इजी बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हम कहते हैं ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, किसी को कहा जाए 5 मिनट बैठो साइलेंस में, कहते हैं बहुत मुश्किल है, तो हमने मुश्किल बना दिया है, हमने मुश्किल बना दिया है। स्पिरिचुअलिटी हमें सही सोचना सिखाती है, तो पहले तो थॉट ही सही होगा तो फिर सब कुछ सही, क्योंकि थॉट्स जो है वो सीड है, हाँ, अगर बीज पावरफुल है तो जो वृक्ष या जो फल आएगा वो भी पावरफुल होगा जरूर, अगर बीज ही कमजोर है, संकल्प ही हमारे कमजोर है, जैसे मान लो किसी ने कहा ये सुनने के बाद भी, कोई कहेगा नहीं पॉसिबल, कहना आसान है करना मुश्किल है, या कोई कहे नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो बीज नहीं ही कमजोर हो गया ना, हाँ,
अब आप कितनी भी मेहनत करें, जैसे बीज अगर कमज़ोर है आप उस पर पानी दें, आप उसको न्यूट्रिएंट्स दें, कुछ भी देते रहें, वो वृक्ष पावरफुल कभी नहीं बनेगा। तो सीड वो है थॉट्स, तो थॉट्स हमारे पावरफुल एंड पॉजिटिव होने चाहिए, तो कुछ भी पॉसिबल है। यस, सो दैट इज द स्पिरिचुअल हेल्थ, राइट? तो वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, हमने सारे सिक्स जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं सबको कवर कर लिया। तो इस पे रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू कमल भाई। थैंक यू। आपके और भी प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।